आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सुपर सिक्स के सातवें मुकाबले में वेस्टइंडीज ने ओमान को 7 विकेट से बड़े अंतर से हरा कर जीत हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ओमान ने 9 विकेट खोकर 221 रन का आंकड़ा खड़ा किया। जवाबी पारी में खेलते हुए वेस्टइंडीज ने 40 ओवर में 3 विकेट खोकर 222 रन बनाकर मैच अपने तरफ करके जीत हासिल किया और भी बड़े अंतर से। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ओमान के ओपनर बल्लेबाज जतिंदर सिंह ने 8 रन के निजी स्कोर पर चलते बने। उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए आकिब इलियास भी 1 रन के निजी स्कोर में आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कश्यप प्रजापति ने कुछ देर टिक कर बल्लेबाजी की, लेकिन उनकी 21 रन के निजी स्कोर पर रोस्टर चेक ने रन आउट कर दिया। ओमान के लिए यह एक बड़ा झटका था। अयान खान ने 30 और मोहम्मद नदीम ने 20 रन की स्कोर बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने पर टीम की स्थिति बहुत ही खराब होगी। निचले क्रम से सौरभ खान ने 50 रनों की पारी खेली। सूरज कुमार भी 50 जड़ने में सफल रहे और 3 रन के निजी स्कोर पर नवाद रहे। इस तरह ओमान ने 9 विकेट खोकर 221 रन का स्कोर खड़ा किया। वेस्टइंडीज के रोमारियो सेफर्ड ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, 3 विकेट इनके नाम हुआ। उनके अलावा काइल मेयर्स भी 2 विकेट लिए। जवाबी पारी में खेलते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। ओपनर बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स ने 4 रन में आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। उनके बाद केसी कार्टी और ब्रेटन किंग ने मिलकर 2 विकेट के लिए अर्धशतकीय पारी के लिए भागीदार किया। कार्टी 29 रन बनाकर जल्द आउट हो गए। साई हॉप और किंग के बीच 3 विकेट के लिए 96 रनों की भागीदारी हुई। ब्रेंडन किंग ने 104 गेंदों में 100 रन की शतकीय पारी खेलकर अपने टीम के लिए हीरो बना। वनडे में यह उनका 2रा शतक था। साई हॉप 50 जड़ने के बाद 63 रन बनाकर नवाद रहे। निकोलस पूरन ने नवाद 19 रन की पारी खेली। इस तरह वेस्टइंडीज की टीम ने ओमान को हराकर जीत हासिल कर लिया। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम को वर्ल्ड कप 23 के मुकाबले में शायद मौका अब लगभग खत्म हो चुका है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमिंग सून विद नेक्स्ट वीडियो।